नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। हिंडौन सिटी के प्रहलाद कुंड के पास जच्चा की बावड़ी में एक युवक का शव डूबा हुआ मिला। मौके पर मौजूद कोतवाली पुलिस ने सिविल डिफेंस अकेडमी टीम को बुलाया। वहीं पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। कोतवाली थाना प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि युवक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। वहीं 3 दिन बाद युवक का शव बावड़ी में डूबा हुआ मिला। टोंक जिले के देवली में पुराने कोटा मार्ग पर एक कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर हनुमान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को देवली चिकित्सालय में भर्ती करवाया, साथ ही मामले की जांच शुरू की। भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सहायक वनपाल कमलेश कुमार रेगर ने बताया कि क्षेत्र के चारभुजा मंदिर पुलिया के पास से अवैध गीली लकड़ी भरकर ले जा रहे ट्रैक्टर को जब्त कर थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र सहित उपखंड क्षेत्र में गीले पेड़ों की कटाई अंधाधुंध तरीके से हो रही है। कुछ लोग हरे पेड़ों के नीम, बबूल, खेजड़ी सहित कई पेड़ों की तस्करी करते हैं। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि पेड़ों की अवैध कटाई पर प्रशासन तुरंत प्रतिबंध लगाए। चित्तौड़गढ़ उदयपुर राज्य मार्ग पर कपासन ITI के पीछे वन विभाग की नर्सरी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसमें सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। भीषण गर्मी और तेज हवाओं के रुख के चलते आग और अधिक क्षेत्रफल में फैल गई, जिसके चलते सिंचाई परियोजना के पेटा क्षेत्र में स्थित खेतों में सूखा चारा भी जल गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पालिका को दी, लेकिन पालिका का दमकल भोपाल सागर में आग बुझाने गया था, जहां वाहन खराब हो गया, जिसके चलते वाहन मौके पर नहीं पहुंच पाया। वहीं पालिका द्वारा मौके पर टैंकर भेजा गया। टैंकर ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद कुछ हद तक आग पर काबू पाया, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ से पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। 12 जिले के अंता में चोरी की गई पिकअप सहित DJ के सामानों को बरामद करने में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। थानाधिकारी राम लक्ष्मण ने बताया कि 8 मई को बम्बोरी तिराहे से पिकअप सहित DJ के लगभग 7 लाख रुपए के सामानों की चोरी की गई थी, जिसकी फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके कब्जे से पिकअप सहित DJ का सामान बरामद किया। फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिनांक 11/5/2022 को फरियादी श्री महावीर मीणा द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मेरी गाड़ी DJ की पिकअप गाड़ी मैंने बम्बोरी तिराहे पर खड़ी की थी रात्रि में। सुबह आके देखा तो मेरी गाड़ी और मेरे DJ के सामान गायब मिले। इस पर थाना जब प्रकरण दर्ज किया जाकर आरोपी और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। दिनांक 11/5/2022 को दोनों ने नाकाबंदी पिकअप गाड़ी सहित मुख्य आरोपी गंगाधर राव को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। मुख्य आरोपी से अनुसंधान के दौरान DJ के चोरी गए सामान बरामद करने में भी सफलता प्राप्त करी है। अन्य मुलजिम जो मुख्य आरोपी के सहयोगी थे उनको भी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ की रावतसर नगर पालिका में वाइस चेयरमैन हेमंत पचार और नेता प्रतिपक्ष पार्षद गौतम बंसल के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों और नागरिकों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर में पेयजल की सुचारू सप्लाई व्यवस्था और विभिन्न पेयजल समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जलदाय विभाग सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पूरे रावतसर में पेयजल पानी की किल्लत है, लोगों को पानी के टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। अगर जल्द स्थिति में सुधार नहीं किया जाता है तो जलदाय विभाग कार्यालय के सामने उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज PSD विभाग के श्री अनिल जी को हम विपक्ष के पार्षदों और गांव के गणमान्य लोग यहाँ आके मिले हैं। पूरे शहर में जिस तरह से पानी की अव्यवस्था हो रखी है, जो किल्लत हो रखी है, उसके विरोध में आज हमें यहाँ पे आना पड़ा है। पूरे शहर में ना तो कहीं पानी सप्लाई का कोई रेगुलेशन सिस्टम है इनके पास, ना कहीं पर प्रॉपर सप्लाई हो रही है। पाइपलाइन का काम जगह जगह चल रहा है, जगह जगह खड्डे करके इस विभाग ने छोड़ रखे हैं, कहीं पर मिलान नहीं हो रहा है और विभाग अपनी लापरवाही दूसरे विभागों पर डाल रहे हैं। अभी फलाना विभाग ने यहाँ पे आके हमें नुकसान कर दिया, इस वजह से हमें यहाँ पे कनेक्शन नहीं दे सके। उसका खामियाजा रावतसर शहर की गरीब आम जनता भुगत रही है। उसके विरोध स्वरूप आज यहाँ पे आए, AN साहब को यहाँ पे घेराव किया और उन्हें कहा जल्द से जल्द जहाँ पे छोटी मोटी माइनर जो प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उन प्रॉब्लम्स को दूर करो और उन लोगों के यहाँ पानी की सप्लाई सुचारू करो।
कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। बैठक में राज्य के 28 फ्लैगशिप कार्यक्रमों, बजट घोषणाओं, नहरबंदी के दौरान जिले में पेयजल आपूर्ति, बिजली और सड़क सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। साथ ही इस दौरान कटारिया ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित, गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को संबल प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पात्र लोगों तक इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सरकारी अधिकारी कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, योजनाओं की जानकारी निचले स्तर तक पहुंचाई जाए। अजमेर के विजयनगर के सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में विधायक राकेश पारीक ने आमजन की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। विधायक राकेश पारीक ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करें। इस दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता सौरभ मित्तल, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता राजेश आर्य, कनिष्ठ अभियंता शिवराज, नगर पालिका कनिष्ठ अभियंता दीपेंद्र सिंह शेखावत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रविंद्र रंगमंच में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4 नाटकों और एक स्थानीय नाटक का मंचन आयोजित होगा। इस 5 दिवसीय समारोह के आयोजन में जिला प्रशासन, नगर विकास न्यास और लोकायन संस्थान का सहयोग रहेगा। धरियावद में आदिवासी एकता परिषद के 29वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन के आयोजन के दौरान धरियावद नगर के विभिन्न मार्गों से महारैली का आयोजन किया गया। ये महारैली रेणिया मंगरी स्थित मीणा समाज के सभा भवन परिसर से निकाली गई। महारैली का कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। साथ ही इस दौरान आदिवासी युवक युवतियां पारंपरिक वेश में डीजे की धुन पर नृत्य करते दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। भाजपा प्रदेश मंत्री, पूर्व विधायक व संसदीय सचिव जितेंद्र गोटवाल की रिहाई को लेकर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंच राजस्थान के बैनर तले अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना दिया और प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं जयपुर धरने में पहुंचे। धरने में आए लोगों ने कहा कि एक तरफ तो अनुसूचित जाति वर्ग पर अत्याचार, बलात्कार, उत्पीड़न नहीं रुक रहा है, वहीं दलितों की आवाज उठाने और संघर्ष करने वाले जननेता जितेंद्र गोटवाल सहित अन्य 7 लोगों को बेगुनाह होने के बावजूद जेल में डाल रखा है, जिनका FIR में नाम तक नहीं है। धरने को संबोधित करते हुए प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यदि उपरोक्त प्रकरण में निर्दोष लोगों को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया और प्रकरण की CBI जांच नहीं करवाई गई तो पूरे प्रदेश भर में चक्का जाम कर जन आंदोलन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TPB News। नमस्कार।